हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज निकल रहे हैं चेन्नई के लिए क्योंकि ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन आ गया है। आज नई दिल्ली से ट्रेन है, टीम के साथ निकल रहे हैं। पर थोड़ा सा सामान ले रहा है, जल्दी से पैक करके। दोस्तों स्टेशन पहुंच गए हैं। रात की 9 बजे की ट्रेन है, अभी 8 बजे हैं। ये विकास भाई हैं अपने साथ में जा रहे हैं। आधी में है, कहाँ तक है? सचिन भाई हमारे 400 मीटर के। दोस्तों, जिलम मिलाई ना एंट्री की, होली के बाद सब अपने अपने घर जा रहे हैं। देखिए देखा, चेन्नई में कौन कौन सी जगह है घूमने की? रामेश्वर मंदिर जाएंगे, तिरुपति बाबा। दोस्तों एंट्री कर लिया है पार्क, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, 12 पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गए हैं। ये अपनी ट्रेन खड़ी, S3 में जाना है। दोस्तों खाना खा लिया, अब खाने की तैयारी हो रही है। हमारे सचिन भाई कितने दिन हो गए तुम्हें गेम करते हुए? 2 साल। 2 साल कौन सा इवेंट है? 400 मीटर। दोस्तों मैं सचिन भाई हैं, इनका खेलो इंडिया में कौन सी प्लेस थी? थर्ड। और अब जा रहे हैं ऑल इंडिया इंटरस्टी खेलने 400 मीटर रिले। किसमें था? तैयारी कहाँ करते हो? दोस्तों दिल्ली से चल चुके हैं चेन्नई के लिए, और हमारी ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस। तो यहाँ से 9 बजे निकली थी, अब ये पहुँचाएगी 11 तारीख में सुबह 6 बजे के आसपास का टाइमिंग है। सब बोल देते हैं कि गेम इतना आसान है, क्या कर रहा है, खेल ही तो रहा है। बहुत मेहनत लगती है, 10-12 साल देने पड़ते हैं। अब आप लगा लो, पहले मुझे यूनिवर्सिटी दे रहा था, यूनिवर्सिटी खेलनी पड़ी, फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा ओडिशा गया खेलने, वहाँ सिलेक्शन हुआ, उसमें 180 यूनिवर्सिटीज आई थी, उसमें जीतना पड़ा। अब जाके ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। अब ने देखिए, आप दिन का सिलेक्शन नहीं होना कितना, वो भी सब मेहनत करते हैं, किसी एक का ही नंबर आता है। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता मेरा ऑल इंडिया में कैसी पोजिशन है, क्या आएगी, पर सब अपना परसेंट बेस्ट देते हैं। सारे खिलाड़ी आएंगे ऑल इंडिया, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं सब अपनी जगह के चैंपियन रहते हैं। फिर भी सब जो फर्स्ट आता है सब उसे ही पूछते हैं, बाकी सब सबको बोल सब बोलते हैं कि क्या कर रहा है। मैं तो पहले ही बोला था कि कुछ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जब आदमी हार जाता है तो उसे सब सुनाने लग जाते हैं कि हमें तो पहले ही बोला था। पर खेल में यही है दोस्तों, किसी की भी ना सुने, अपने मन की सुने, लगे रहें। आज ना कल मेडल आएगा, रंग मेहनत रंग लाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किसी के भी कहने पर मत जाएं। समय आता है खिलाड़ी का, हर समय आता है, टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम बाद आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी किसी की। दोस्तों मैं आपको अपनी बताऊं कि मुझे खुद ही अपना यकीन नहीं है कि मेरा मेडल आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ मन लगा के। मुझसे अच्छे खिलाड़ी भी आएंगे वहाँ पर जो 8 मीटर टच कर रहे हैं। मेरा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा कि जंप भी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। मुझे तो अपना खाली बैच देना है जो मैं दूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में।
मेहनत सभी करते हैं, जीतता ही की है। कभी भी हारने के बाद निराश मत हो। आप जब कोई आदमी हारता है ना, उसे अपनी गलतियां पता लग जाती है कि वो किस गलती की वजह से नहीं जीत पाया। उसे बहुत बेनिफिट मिलता है, वो आगे के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मेरी गलती यहाँ पे थी, उसे चेंज कर लें।